जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और एक शानदार और बेहद ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। कम समय में आपको एक शानदार जानकारी देने वाला हूँ। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रेलवे ग्रुप डी, 400 रुपए दिखाई दे रहा होगा। कैसे प्राप्त करें उसके ऊपर अपने पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने ग्रुप डी लेवल 1 का जो एग्जाम दिया था उसमें फेल हो चुके विद्यार्थी, उनके फॉर्म भरने में 500 रुपए लगे थे और उन 500 रुपए में से 400 रुपए भारत सरकार उनको रिफंड कर रही है। तो उसके बारे में पूरी वीडियो लेकर आया हूँ, शुरू से लेकर अंत तक आपको देखनी है। फेल होने वाले विद्यार्थियों को भी निराश नहीं किया गया और उसके साथ साथ में रेलवे की एक और नई और बम्पर भर्ती आपके आने वाली है। कैसे प्राप्त करिए ये इसके बारे में अपने आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, एक नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये विज्ञप्ति है। नोटिस आपको दिखाई दे रहा है कि अटेंशन द कैंडिडेट CNRRC और 2019 यहाँ पर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस, रिफंड किया गया एग्जामिनेशन फीस का ये नोटिस है। 11-10 से लेकर आपका जो है 17-8 से लेकर 11-10 तक लेवल 1 के लिए ये जो एग्जाम है वो हुआ था। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी जो फॉर्म आपने भरा था रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपकी जो बैंक डिटेल है उस बैंक डिटेल को क्या करना है मित्रों, अपडेट करना है। बैंक डिटेल को अपडेट करना है। आपके फॉर्म भरने में 500 रुपए लगे थे, फॉर्म भरने में कितने रुपए लगे थे, 500 रुपए। अब सरकार आपको कितने रुपए दे रही है साथियों, 400 रुपए रिफंड दे रही है, यानी जो विद्यार्थी फेल हो चुके हैं उनको सरकार अब 400 रुपए वापिस दे रही है। साथ ही साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपको बैंक डिटेल सही से भरनी है, बैंक डिटेल सही से भरनी है। उसकी तारीख क्या है, यानी कि 14/4 से लेकर आपकी 30/4 तक ये आपकी महत्वपूर्ण दिनांक रहने वाली है। यहाँ पर आपको रहने वाला है 14/4 से लेकर 30/4 तक विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपनी बैंक डिटेल को जान सकते हैं। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि एक खाते में एक ही रिफंड किया जाएगा, एक बैंक अकाउंट में एक ही रिफंड किया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही केयरफुली से आपको भरना है और ये रिफंड उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पेपर दिया था, जिन्होंने एग्जाम दिया था और फेल हो चुके थे। ऐसे नहीं है जिन्होंने फॉर्म भर दिया था और एग्जाम देने के लिए नहीं गए थे, उनके लिए ये स्कीम नहीं है। जिन्होंने पेपर दिया वो फेल हो गए, उनके लिए रिफंड की स्कीम है। तारीख आपको यहाँ पर दी गई है, लास्ट तारीख तक आपको ये पूरी डिटेल आपको भर देनी है। ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड, एक ही अलाउड किया जाएगा यहाँ पर। ये आपके चेयरपर्सन जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है उनका ये नोटिफिकेशन है। सर हम कैसे प्राप्त करें ये 400 रुपए, क्या करूं? तो आपको क्या करना है साथियों, सर्च करना है आरआरबी ग्रुप डी करना है आपको सर्च। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपकी ये पोर्टल खुलने वाला है। उस पोर्टल के ऊपर आपको देखिएगा बैंक डिटेल रिफंड 30/4/2023 5 बजे तक ये सूचना आपकी चलने वाली है। आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन संख्या है वो पंजीयन संख्या आपको जो भी आपकी है डाल देनी होगी, साथ ही साथ में डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी होगी, साथ में कैप्चा कोड डाल देना है। उसके बाद में जैसे सबमिट करोगे वहां पर आपका जो फॉर्म है वो खुलेगा, वहां पर आपकी बैंक डिटेल है वो डाल देनी है। बैंक डिटेल सही से डालनी है भाई, क्या करनी है, बैंक डिटेल जो है वो आपको सही से डालनी है। और जैसे ही आपकी बैंक डिटेल है वो प्रूफ हो जाती है, उसका सत्यापन हो जाता है, तो सत्यापन होने के बाद में आपके जो 400 रुपए है आपके बैंक आपके अकाउंट में आ जाने वाले हैं। 30 तक तो फॉर्म भरे जाएंगे और 30 के बाद में जो आपका रिफंड है वो चालू हो जाएगा। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरा था, लेवल 1 का पेपर दिया था, आप पेपर देने गए थे, आप फेल हो चुके हैं, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों को भी अब जो रेलवे जो बोर्ड है आपके लिए एक स्कीम लेकर आया, 400 रुपए दे रहे हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, एक नई वीडियो के साथ में फिर से आपके साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।